पूजा में अगर बैठते हैं तो पूजा करने में मन लगातार अटकता रहता है, मन पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं मन को नियंत्रण कैसे करना है। अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मक की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मक से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा, इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहां वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाले विचार तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल करता है जब वह प्रकृति के आदेशों व इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए।